एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे कश्मीर यूनिवर्सिटी कैसे बच्चों को एक्सप्लॉइट करता है हर एक एंगल से। अभी रिजल्ट आया है फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर का। 2015 बैच है स्टूडेंट्स का, 3 साल से ज़ायद हो गए, 4 साल होने को है, अभी तक वो ग्रेजुएट कंप्लीट नहीं हुए और ना उनकी ग्रेजुएशन हुई। बहुत सारे स्टूडेंट्स में उनमें से पीजी का एंट्रेंस भरा है, लेकिन पीजी एंट्रेंस में वो अगर क्वालिफाई भी करेंगे लेकिन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन में दिखा रही है या तो एलओ दिखा रही है, ये देखिए, या तो एलओ है या एनए है। एलओ का मतलब होता है लेटर ऑन, एनए का मतलब होता है नॉट अवेलेबल। अगर यही वो रही तो वो एडमिशन कहाँ से कर पाएंगे? पीजी एंट्रेंस में अगर वो निकलते भी है तो वो कैसे कर पाएंगे? दूसरी चीज़ ये एलओ और एनए जब क्लियर ही नहीं होगा तो वो एंट्रेंस भी नहीं दे पाएंगे। एंट्रेंस में अगर वो दे भी पाएंगे लेकिन वो उनका क्लियर नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़, अब यूनिवर्सिटी ने कहा कि जिनके पास एलओ और एनए है वो यूनिवर्सिटी आए, वहाँ एप्लीकेशन डाले, और बच्चों को कम से कम यहाँ से किराया लगता है 200 से 500 तक खर्चा होगा और एक दिन ज़ाया, और कम से कम आधे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका जिनकी ये सिचुएशन है। कल ही मेरे पास एक स्टूडेंट आई, उन्होंने कहा सर मेरा तो कोई भाई नहीं है, उसके अलावा मेरे जो अब्बू है वो एक फार्मर है, वो एक दिन की कमाई 300 से लेके 500 करते हैं, और मैं जाऊं तो कहां जाऊं, कैसे कश्मीर यूनिवर्सिटी, मैं तो जानती भी नहीं हूं। मुझे कश्मीर यूनिवर्सिटी ये बताए, ये आपके लिए शर्म की बात नहीं है? ऐसी कितनी स्टूडेंट्स हमारे पूरे कश्मीर वैली में होंगी जिनके भाई नहीं होंगे, जिनको एप्लीकेशन डालने के लिए वहाँ कोई नहीं होगा? आपको शर्म नहीं आती है ऑफिशियल्स जितने भी है कश्मीर यूनिवर्सिटी में? क्योंकि वो जानबूझ के, ये फॉल्ट एक बच्चे का तो नहीं है, ये तो फॉल्ट आपका है, एलओ लगाया है, एनए रखा, तो ये आपका फॉल्ट है। उसके बाद बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जिनका हाईएस्ट फर्स्ट डिवीजन हर एक सेमेस्टर में आया मेरे पास आए अभी 10 दिन पहले, उन्होंने कहा सर हमारा रिजल्ट अपडेट हुआ है, उसमें हमें फेल किया गया। मैंने अपने सोर्सेज लगाए कश्मीर यूनिवर्सिटी में, वहाँ से मुझे पता चला उनकी जो कॉपीज़ है उस पे 50 मार्क्स 60 65 मार्क्स और रिजल्ट दिखाया गया फेल 23 मार्क्स 22 मार्क्स। मैंने जब पता किया तो ऐसी घटनाएं सामने आई। उसके बाद मैंने उनसे डायरेक्टली कहा आप आरटीआई डालिए और ताकि वो आपका जो जीरोक्स कॉपी आंसर शीट की आए उससे यूनिवर्सिटी एक्सपोज हो जाएगी। अगर आपको यकीन नहीं होगा, पिछले साल मैंने अपने नाम से, डॉक्टर अब्दुल बारी के नाम से कम 100 से ज़ायद आरटीआई डाली होंगी, 100 से ज़ायद कापियां मंगाने के लिए कि मुझे इस स्टूडेंट की जीरोक्स कॉपी, लेकिन यूनिवर्सिटी ने मुझे उनकी जीरोक्स कॉपी नहीं दी। उसके बाद 3 मंथ से ज़्यादा हो गए, अभी तक यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर नहीं किया था रिजल्ट, और ये 2015 बैच है, अभी तक ये ग्रेजुएट नहीं हुए। आप देखिए ये सफ़र कितने हो रहे हैं, इनको हर जगह धक्के मिल रहे हैं, धक्के खाने को मिल रहे हैं, और अब रिजल्ट में भी हम लोग इनको ऐसे ऐसी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं जो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो रहा है। बच्चे सड़कों पे इसीलिए आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। उसके बाद आप देखिए, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है अब हायर अथॉरिटी से, वीसी साहब से, वीसी साहब नए आए हैं वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, कि आप एक ऑर्डर निकालिए जिसमें जिसका एलओ है या एनए है वो बच्चा कॉलेज अपने अपने कॉलेज में एप्लीकेशन डाले, फिर कॉलेज से वो थ्रू यूनिवर्सिटी जाएगी ताकि दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, उसमें ज़्यादा ना दिन का खर्चा होगा ना ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा। और अगर ये नहीं हुआ, अगर इनका रिजल्ट आपने 15 दिन के अंदर अंदर नहीं किया, तो कम से कम 500 से 600 बच्चे मेरे साथ धरने पे बैठेंगे, यूनिवर्सिटी को हम घेराव करेंगे, मैं कम से कम 1 हफ्ते वही धरने पे रहूँगा, चाहे मेरी फिर गवर्नमेंट मेरी जॉब भी ले जाए मुझे उसकी परवाह नहीं होगी, लेकिन स्टूडेंट्स को मैं सफ़र होने नहीं दूंगा, उनके साथ मैं वहाँ धरने पे बैठूंगा, जब तक उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तब तक मैं वही धरने पे बैठूंगा। अब मैं यूनिवर्सिटी को हाई लेवल पे एक्सपोज करूंगा कि उनकी पॉलिसी टुवर्ड्स कश्मीरी स्टूडेंट्स की क्या है। बाकी थैंक यू।